जा रहा था कि एक कंपनी से ऑफर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, ये बताई गई थी। इसी तरह दूसरी कंपनी से ऑफर आने की प्रोबेबिलिटी बताई गई थी, और दोनों कंपनी से ऑफर आने की प्रोबेबिलिटी भी बताई गई थी। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की थी, कि यानी कि दोनों कंपनी से ऑफर आएगी, ठीक है। अब पार्ट सी में पूछा यह गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको ए से ऑफर आएगी लेकिन बी से नहीं आएगी। तो कुछ लोगों ने इसमें ये किया है कि बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है और ए की प्रोबेबिलिटी लिखी है लेकिन उससे आगे कुछ किया नहीं है, या कुछ लोगों ने साथ वो पता नहीं किसी वजह से मल्टीप्लाई की है, ये मुझे नहीं पता कि क्यों की है। इसमें बेसिकली देखें, इसकी वेन डायग्राम साथ मैंने सोल्यूशन में बनाई थी कि आपके पास ए से ऑफर आने की जो पूरी प्रोबेबिलिटी है या जो पूरा इवेंट है बेसिकली, वो रिप्रेजेंट हो रहा है ये ए वाले पूरे सर्कल से। इसी तरह बी से ऑफर आने का जो इवेंट है वो बी के पूरे सर्कल से रिप्रेजेंट होता है। अब जब आप इसके रीजंस को कंसिडर करें तो इनमें से ए से ऑफर आने की जो का जो इवेंट है उसके अंदर कुछ हिस्सा वो भी मौजूद है जिसमें बी से भी ऑफर आएगा, जो कि बीच का इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो पार्ट सी में ये पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको ए से ऑफर आएगी लेकिन बी से नहीं आएगी। तो इसलिए हम इंटरेस्टेड इस हिस्से में जो कि शेडेड है कि ए से ऑफर आए वो जाहिर है कि ए के बाउंड्री के अंदर लाया करेगा रीजन, और बी से ना आए का मतलब ये है कि जितना भी बी का हिस्सा ए के अंदर मौजूद है वो हमने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो इसको आप सिंपली निकाल सकते थे एज, अब ये देखें, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट वो सारा रीजन है जो कि बी से बाहर है, सैम्पल स्पेस तक, यानी रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज तक। जब आप उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो वो फिर वो हिस्सा बचता है जो कि ए के साथ कॉमन हो। तो जाहिर है जो ए से बाहर है और सैम्पल स्पेस के अंदर रीजन है, ये वाला सारा हिस्सा, ये जाहिर है ए के अंदर लाई नहीं करता, तो ये इस इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही बनता है जो जिस रीजन में हम इंटरेस्टेड हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से निकाल सकते थे कि आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लें पूरा, क्योंकि वो पूरा सर्कल हो जाएगा, और उसमें से आप इंटरसेक्शन का रीजन सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये एक सिंपल तरीका था। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, कुछ लोगों ने सैम्पल स्पेस में से माइनस करने की कोशिश की है, वो तरीका वैलिड है, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने फॉर्मुलेट गलत किया कि आप पूरा सैम्पल स्पेस लें, उसमें से लोगों ने ये किया है कि बी की प्रोबेबिलिटी माइनस की है, ठीक है, और फिर उन्होंने ये इंटरसेक्शन दोबारा सब्ट्रैक्ट किया। ये गलत है, क्योंकि जब आप बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं तो बी का ये सारा जो सर्कुलर रीजन है ये पूरा इलिमिनेट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्शन रीजन भी चला गया। तो जब आप साथ इंटरसेक्शन दोबारा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हिस्सा एक एक्स्ट्रा दफ़ा रिमूव हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और साथ आप लोगों ने ये जो बाहर हिस्सा है ए और बी से बाहर, ये हिस्सा लोगों ने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसमें इस तरह से करते हैं कि अभी इसके ऊपर लिखेगा नहीं, इतना रुको, कि आप सैम्पल स्पेस में से बेसिकली पूरी जो सैम्पल स्पेस है उसमें से आपने ये हिस्सा रिमूव करना था जो कि आपके पास यहाँ पे बाहर है, ठीक है। ये आपके पास आता इस तरह से आ सकता था, जो यहाँ पे आपने पार्ट बी में निकाला हुआ था कि ए यूनियन बी जो है उससे बाहर कितना रीजन लाए करता है, जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, ये आपने पार्ट बी में निकाला हुआ था कि ये बाहर का रीजन कितना था। ये नेगेटिव आ रहा था कुछ लोगों के लिए वो रोल नंबर के हिसाब से, लेकिन वैल्यू जो थी, अगर आप यही इस्तेमाल करते नेगेटिव साइन के साथ तो आंसर आपका सही आता। आप ये करते कि आप सैम्पल स्पेस लेते, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस आपके पास ये है, तो ये आपके पास -0.07 आ जाता, ठीक है, यानी कि आप बाहर का हिस्सा आपने एक दफ़ा रिमूव कर दिया, और साथ आप एक दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी ये वाला हिस्सा जो इस सर्कल के अंदर है, तो फिर आपके पास अगेन यही हिस्सा बच जाता। तो इसके दो तरीके थे, आप चाहे सैम्पल स्पेस में से सारे अनरिक्वायर्ड रीजन सब्ट्रैक्ट करें, या फिर आप सिर्फ पार्ट इवेंट ए से स्टार्ट करें और उसमें से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करें तो ये देखिए कि ये आ जाता है 1 + 0.07, क्योंकि दो नेगेटिव साइंस हैं, और प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमें बताई गई थी जैसे इस पर्टिकुलर रोल नंबर के हिसाब से 58 थी, 0.58। तो अगेन 1 + 0.07 -0.58, वो भी आपके पास 0.49 आता। तो जिन्होंने सैम्पल स्पेस में से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी उन्होंने किया यहाँ पे गलत था, कि उन्होंने ये बाहर का हिस्सा नहीं इंक्लूड किया था,
उन्होंने बी को इंक्लूड किया था जो कि यहाँ पे आना चाहिए था, और साथ उन्होंने ये इंटरसेक्शन दोबारा सब्ट्रैक्ट किया था जो कि एक दफ़ा ऑलरेडी इसके अंदर शामिल हो चुकी थी, तो वहाँ पे गलती हुई थी। ठीक है, आप सबको क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? सर ये जो हम रिटर्न असाइनमेंट आपको सबमिट कराते हैं, इसके मार्क्स नहीं होते? इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर जो नहीं सबमिट करवाता ये उसके मैं आधे नंबर लगा रहा हूँ असाइनमेंट सेशन के। सर अगर आप ना सबमिट करवाने पे अगर आधे लगा रहे हैं तो फिर सबमिट कराने पे उसे कुछ नंबर रख दें, ये मैंने पिछली बेशक दफ़ा भी सेशन क्लास में में डिले पूछा ना था हो। कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं आधे नंबर सबमिशन के रखूँ और आधे नंबर मैं असाइनमेंट सेशन के रखूँ, लेकिन फिर अगर मैं सबमिशन के नंबर रखता हूँ तो फिर जो कॉपीड सबमिशन्स होंगी उनके ज़ीरो लगेंगे। तो क्या इस पे आप लोग राज़ी हैं? लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था ऐसा ना करें। नो सर, जैसे चल रहा है वैसे ठीक ठीक है है। सर, फिर चल रहा है जैसे चल रहा है। चलिए ठीक है, मतलब ये इस पे मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप लोग जैसे बेहतर समझते हैं मैं कर दूंगा, लेकिन फिर जाहिर है अगर सबमिशन के मैं नंबर रखता हूँ तो फिर वो सबके अपने अपने होने चाहिए, क्योंकि मैंने जब पहली असाइनमेंट में देखा था तो वो ज़्यादातर लोगों के कॉपी थे, और फिर जाहिर है कि जिसने खुद किया है लेकिन जाहिर है उसने फिर किसी को दिया है तभी वो छापा गया है, तो फिर देने वाले के भी ज़ीरो लगेंगे, तो या तो फिर सारे अपने अपनी करें। सर जैसे चल रहे चलने। नहीं ठीक है फिर। अच्छा, अगर किसी का और कोई वकार, आपकी मुझे मेल नहीं आई हुई कम से कम, तो आप देख लीजिएगा कि वो कहाँ गई है, उसकी तस्वीर भेज दें। असाइनमेंट क्या हुआ? हाँ, असाइनमेंट वन अभी तक मैंने सबकी वन चेक नहीं आपने की, रिटर्न वो मैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगले हफ्ते तक हो जाए। जी सर, मैंने चेक किया सर, आपने जहाँ मेल किया सर, एड्रेस दिया था सर, उसी पे मैंने मेल किया सर। अच्छा, उसकी तस्वीर तो भेजे ना आपने जहाँ सेंड की, क्योंकि मुझे नहीं आई। जी सर, मैंने अभी मैसेंजर वो उस पे आपको चैट पे वो भेजी है सर। अच्छा चलें, वो मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे वो मैं आपसे क्लास के बाद पूछ लूँगा। ओके, मैं देख ही लेता हूँ, मुझे आपने कहाँ भेजी है। ये देखो ना यार, ये आपने ईमेल एड्रेस गलत लिखा है, ये जी कस्ट नहीं है ना वकार। जी सर, वो मैंने देख लिया सर। हाँ, तो तभी नहीं आई ना, वो ठीक करके भेजो, सर दोबारा सेंड कर दूँ सर आपको? सेंड कर दो, लेकिन कुछ नंबर मुझे इसके कब भेजी आपने, टाइम 134। बहरहाल कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आप मैं अब तो मैंने सोल्यूशन भी शेयर कर दिया सबके साथ। अच्छा, अगर किसी के कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। ये हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड टॉपिक है, उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का जो हम अभी तक चैप्टर पढ़ते आए हैं इसको कंक्लूड करेगा, तो इसके अंदर हम टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक थ्योरम है बेस थ्योरम, उसको देखेंगे। तो इससे पहले ज़रा ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि हम अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं। जब आप सिंपल किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस, अगर सबको याद हो तो। और इसको आप कहते हैं कि ये किसी इवेंट की, अब हम इसको रेफर करेंगे एज इनिशियल या प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके दो नाम है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी या प्रायर प्रोबेबिलिटी। कि बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि इससे पहले अभी कोई इवेंट नहीं हुआ, जिस तरह नीचे आपने देखें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मुलेशन लिखी हुई है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास एक इवेंट जो है ये कंडीशनिंग इवेंट बन गया। ठीक है, और इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास एक कंस्ट्रेंट लगी हुई है कि जो इवेंट ए आई है ये पहले हो चुका है, और फिर उससे रिलेटिव आप देख रहे हैं कि इवेंट बी जो है, जो कि अब अनसर्टेन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है होने की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है एक प्रीवियसली अकर्ड इवेंट के ऊपर,
और इनिशियल प्रोबेबिलिटी इससे इस तरह मुख्तलिफ है कि इस यहाँ पे आपके पास पहले कोई इवेंट नहीं हुआ, तो यहाँ से आपका एक तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपके पास कोई भी कंस्ट्रेनिंग इवेंट या कोई भी कंडीशनिंग इवेंट जो है वो नहीं हुआ हुआ। अभी आप सारे के सारे सैम्पल स्पेस में से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब होता है कि टाइम में, टाइम स्केल में, फ्यूचर में होने वाली चीज़, ठीक है, यानी बाद में कोई चीज़ हुई तो उसको आप कहते हैं कि ये इवेंट जो है ये पोस्टीरियर इवेंट है। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फ़र्क सिर्फ ये है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपका जो कंडीशनिंग इवेंट है वो चेंज हो गया, ठीक है, वो एक तरह से स्वॉप हो गया। अब ये याद रखिए कि अभी फ़िलहाल ये जेनेरिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, सिर्फ सिंबल्स हैं, ये ए और बी मैं आपस में स्विच कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में फ़र्क दिखाने को सिर्फ ये है कि अगर एक इवेंट की आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर इवेंट जो कंडीशनिंग इवेंट है, तो अगर आप उस कंडीशनिंग इवेंट को सामने ले आए, यानी कि जाहिर है हमेशा जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा जाता है वो कंडीशनिंग इवेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या किसी भी, सपोज मैं इसको इस तरह से लिखूँ सी गिवन डी, और मैं कहूँ कि ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो जाहिर है यहाँ पे कंडीशनिंग इवेंट जो है वो इवेंट डी है। तो इवेंट डी की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन दैट इवेंट सी हैज अकर्ड। बेसिकली आप इसकी ऑपोजिट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे तो वो कंडीशनिंग इवेंट की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, और इसी तरह उस इवेंट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी सिंपली आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस वाली होगी, ठीक है। तो अगर आपका जो कंडीशनिंग इवेंट जिससे आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसको आप अनसर्टन बना दें, अब यहाँ पे आपने इसको अनसर्टन बना दिया है, और जाहिर है जो इस लाइन के, वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड पे है, ये हम इस्तेमाल करते, इसको हम कहते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन में कि अब ये कंडीशनिंग इवेंट बन गया। तो इवेंट डी की ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहलाएगी ऑफ इवेंट डी, और ये जाहिर है कि इवेंट डी की इनिशियल प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशनिंग इवेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली प्रोबेबिलिटी जो इवेंट सी के हवाले से अगर देखें तो पहली प्रोबेबिलिटी जो है ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट सी, और इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी, और ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे हम पहले इवेंट्स को डिवाइड करते आए हैं या उनको कैटेगराइज करते आए हैं एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते थे, याद है अब तक? जो नल सेट देते थे, जी, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन आपके पास नल सेट होता था या जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है इंटरसेक्शन की वो जीरो होती थी, यानी एट अ टाइम दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये भी किसी ने अभी क्विज में एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि याद रखिए जब हम इसको प्रोबेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो आप इवेंट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स नहीं देख रहे होते, ठीक है। जब आप प्रोबेबिलिटी, इसके साथ जब मैं पी का सिंबल लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि अब मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होती है, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का सेट होता है जिसमें साथ प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी हुई, सिंपली जब मैं इस तरह से लिखता हूँ वो नल सेट होता है। तो किसी ने अभी क्विज में इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नल सेट की हुई थी और उन्हें स्पेसिफिकली लिखा था कि प्रोबेबिलिटी विल बी द नल सेट, तो प्रोबेबिलिटी सेट नहीं होती, प्रोबेबिलिटी एक लाइकलीहुड या चांस का एक मेजर है जो कि जीरो से वन के दरमियान रेंज करता है, और जो सेट होता है वो आपके पास इंटरसेक्शन का, जो आप इवेंट, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन लिखते हैं वो एक सेट होता है, जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो वो एक नंबर बनता है, ठीक है। इसी तरह हमने बात की थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? दो इवेंट्स मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट कब होते हैं?
ये हम पिछले 2 हफ्तों में देखते आए हैं, किसी को नहीं याद? सके जब हम प्रोबेबिलिटी लें, लेट्स बोल ए सेट की बी से, तो जब हमारे पास रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही इक्वल है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। यानी कि चाहे मैं ए की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, वो फिर ए के बराबर है, या फिर अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी विद कंडीशनिंग इवेंट ए हो तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। या इसको हम एक और तरह से लिखते थे कि आपके पास इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों इवेंट्स की, वो डायरेक्टली इक्वल हो दोनों अपने अपने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के, जो कि जनरल केस में अप्लाई नहीं होता। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की खसूसियत है कि आप चाहे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें या इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एक ही बात है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ये खसूसियत है कि इनके जो इंटरसेक्शन होता है, जाहिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये इंटरसेक्शन जो है डायरेक्टली जीरो होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों अपने अपने इवेंट्स की इनिशियल या प्रायर प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बाय डेफिनेशन डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जब एक इवेंट हो जाए और दूसरा ना हो सके, इसका मतलब ये है कि एक का होना दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि दूसरा ना हो तभी एक हो सकता है, और जब दूसरा हो गया तो फिर, जैसे अगर बी हो गया तो इवेंट ए नहीं हो सकता। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की खसूसियत है। इसका मतलब ये है कि दोनों का आपस में एक रिलेशन है, नेगेटिव डिपेंडेंस है लेकिन डिपेंडेंस मौजूद है, इंडिपेंडेंट नहीं। इसी तरह से अब हम एक तीसरा कैटेगरी इवेंट्स की, जो कि इन दोनों से अलहदा है, ठीक है, जिस तरह इंडिपेंडेंट इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स से अलहदा हैं, इसी तरह एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो हैं ये इन पिछले दोनों से अलहदा हैं। हम इवेंट्स को आपस में एग्जॉस्टिव तब कहते हैं जब सारे इवेंट्स, जितने भी आपके पास इवेंट्स हों, अब डिपेंड करता है कि उनका नंबर कितना है, वो आपके पास जब आप उन सब का यूनियन लें तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर हैं। इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है बेसिकली कि अगर आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, तो अगर मेरे पास इवेंट्स कुछ इस तरह के हैं कि एक इवेंट है, ये कोई दूसरा इवेंट है, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, नहीं भी हों, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह का भी हो सकता है, एक अलग है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है वगैरह। अभी इस तरह से जब मैंने इवेंट्स बनाए हैं और मैं इनका यूनियन लेता हूँ, तो वो कौन सा रीजन बनेगा? अगर मैं तीन इवेंट्स का, इन तीन इवेंट्स का यूनियन लूँ, ये कौन सा रीजन बनता है? जाहिर है इन सब की जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं बेसिकली, वो सारी रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को। तो ये जो पूरा ब्लू रीजन है, ये वाला रीजन और प्लस ये वाला हिस्सा, ये बनेगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3। लेकिन अभी जिस तरह से मैंने इवेंट्स बनाए हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सिग्निफिकेंट रीजन, या बहरहाल कुछ रीजन मौजूद है, ये वाला, जो कि सैम्पल स्पेस के अंदर लाए करता है, लेकिन इन तीन इवेंट्स के यूनियन के अंदर मौजूद नहीं है। यानी कि हम इन तीन इवेंट्स का यूनियन ले भी लें, तो कुछ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट के ऐसे हैं जो कि सैम्पल स्पेस में मौजूद हैं, यानी कि वो पॉसिबल हैं, लेकिन इन तीन इवेंट्स के यूनियन से कवर नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन इवेंट्स का यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के बराबर नहीं है। बाय कॉन्ट्रास्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होंगे वो, उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। अब मैं उसको आर्बिट्ररी डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये मैं कहता हूँ ये हिस्सा सारा इवेंट, ये वाले सारे आउटकम्स इवेंट A1 को कवर करते हैं, इसी तरह ये कोई हिस्सा जो है ये इवेंट A2 को कवर करता है, और यहाँ पे जितने भी आउटकम्स हैं ये सारे A3 में लाए करते हैं। तो जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो अब कौन सा रीजन बनेगा मेरे पास? ये मेरे पास, सर पूरा सैंपल स्पेस, बिल्कुल। तो अब जाहिर है जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो मेरे पास पूरी जो इनकी आउटर बाउंड्री है वो यूनियन सेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब मैं इनका यूनियन लूंगा इस तरह से, अगर मेरे पास इवेंट्स हों इस तरह के, तो वो मेरे पास सैम्पल स्पेस बनेगा। तो जब मेरे पास इस तरह के इवेंट्स हों जिनका मैं सारे का यूनियन लूँ तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर आए, यानी कि इन इवेंट्स के अंदर जब मैं इन सबको इकट्ठा करूँ तो वो सारे पॉसिबल आउटकम्स कवर कर लें एक्सपेरिमेंट के, तो फिर मैं कहूंगा कि ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं। अभी जिस तरह से मैंने ये इवेंट्स बनाए हैं, इनका आपस में कोई ओवरलैप नहीं है। हो सकता है कि जो इवेंट A2 है इसकी बाउंड्री कुछ ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है वो इवेंट A1 के साथ ओवरलैप भी कर रही हो, इस तरह से हो, ठीक है। यानी कि ये हिस्सा जो है, ये A1 इंटरसेक्शन A2 जो है, अब ये नॉन जीरो हो जाए या नॉट इक्वल टू नल सेट हो।
ठीक है, लेकिन अभी भी जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो जाहिर है वो आपके पास, उसके अंदर अगर आपको याद हो कि आप वो सब्ट्रैक्ट करते थे इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, जिस तरह अगर आप ए यूनियन बी लेते हैं तो वो इक्वल होता था फॉर द जनरल केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह हमने थ्री इवेंट्स के लिए भी देखा था और उसको आप एक्सपैंड करते जाएं, तो हमने देखा था कि जाहिर है कि जब आप ए वन यूनियन लेते हैं ए टू के साथ, तो आपके पास एक दफा ये बाहर का हिस्सा है, जाहिर है ए वन की बाउंड्री काउंट होगी, एक दफा ए टू की बाउंड्री के साथ काउंट होगा, तो ये वाला रीजन इंटरसेक्शन का दो दफा काउंट हो जाएगा, इसलिए आप इसको एक दफा सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन पॉइंट बीइंग कि जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आउटर बाउंड्रीज को आप देखेंगे कि ये आपके कवर्ड रीजन को या इंक्लूडेड रीजन को रिप्रेजेंट करेंगी, और अब ये आपके पास पूरी सैंपल स्पेस कवर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं कि जब आप उन सबको आपस में यूनियन लें तो फिर वो सैंपल स्पेस को कवर करें। अब जैसे अगर मेरे पास चार इवेंट्स हों, ठीक है, इसी तरह की मेरे पास एक सैंपल स्पेस हो, उसमें मेरे पास इस तरह के चार इवेंट्स हैं, ठीक है, ये इवेंट वन है, ये हिस्सा मैं कह रहा हूँ इवेंट टू को जा रहा है, यहाँ पे इवेंट थ्री है और यहाँ पे इवेंट फोर है। अब अगर मैं ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री लेता हूँ तो ये जाहिर है अभी सारे सैंपल स्पेस को कवर नहीं करता, क्योंकि ये वाला रीजन इवेंट फोर वाला शामिल नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इसका यूनियन ले लेता हूँ अप टू इवेंट फोर और ये सैंपल स्पेस के बराबर है, तो मैं कहूँगा कि इवेंट्स वन टू फोर जो हैं उन सब का यूनियन इकट्ठे अगर सैंपल स्पेस के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि इवेंट्स वन टू फोर, वन टू थ्री एंड फोर आर एग्जॉस्टिव, यानी कि सारी सैंपल स्पेस को वो एग्जॉस्ट कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इसी तरह हो सकता है कि मेरे पास एक पांचवा इवेंट भी यहाँ पे मौजूद हो, वो कहीं इधर लाए कर रहा, ठीक है, इन सब के साथ उसका कोई कॉमन रीजन हो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वन से लेके फाइव तक सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि जाहिर है फाइव के साथ भी आप यूनियन लें तो वो सैम्पल स्पेस को कवर करता है। लेकिन अब जो इवेंट फाइव है वो एग्जॉस्टन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जो एग्जॉस्ट हो रही है सारी सारा सैम्पल स्पेस वो चार के साथ भी हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह के केस में वन टू थ्री फोर आर सफिशेंट टू एग्जॉस्ट सैम्पल स्पेस, और फाइव के साथ भी जाहिर है वो एग्जॉस्टिव ही है, क्योंकि फाइव उनके अंदर ही कहीं लाया करता है, उसकी कोई इंटरसेक्शन है, वो चारों इवेंट्स के साथ कॉमन है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जॉस्टिव इवेंट से रिलेटेड हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर आपके पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है, दो सेपरेट कंडीशंस हैं। एक कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की है और एक कंडीशन एग्जॉस्टिव होने की है। जिस तरह मैंने अभी बात की पीछे जो मैंने बनाया था कि उसमें हो सकता है कि आपके पास जो दो इवेंट्स चार में से सपोज जितने भी इवेंट्स सपोज पांच हो बेशक जो एग्जॉस्टिव हैं, हो सकता है कि वो इवेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, उसका एग्जॉशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब वो ओवरलैप करें, जैसे ए वन है और ए टू है, यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू द नल सेट, इसका मतलब ये है कि ए वन और ए टू आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जबकि अगर इस तरह का मेरे पास सेट हो कि यहाँ पे मेरे पास इवेंट वन है, ये इवेंट टू है, ये इवेंट थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है, यानी कि इनके पांचों इवेंट्स का आपस में किसी भी एक और इवेंट के साथ कोई ओवरलैप नहीं है, तो ये सारे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि इनका कोई भी आपस में कॉमन आउटकम नहीं है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में जहाँ पे सारी सैंपल स्पेस भी कवर हो रही हो और वो सारे इवेंट्स आपस में कोई कॉमन आउटकम ना रखते हों, इसमें आपके पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, ठीक है, एंड एग्जॉस्टिव। तो जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह के केसेस पे अप्लाई होता है, ऐसे केसेस पे अप्लाई नहीं होता जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की कंडीशन एप्लीकेबल ना हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए वन और ए थ्री आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई कॉमन आउटकम नहीं है। इसी तरह वन और फोर, वन और फाइव, टू फोर, थ्री टू और थ्री, इसी तरह थ्री और फोर, थ्री और फाइव, ये सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन दो इवेंट्स हैं ऐसे ए वन और ए टू जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ओवरऑल अब ये जो सारे अगर आप इनको इकट्ठा देखें कि ए वन अप टू ए फाइव, अब आप कहेंगे कि ये आपस में सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, बट दीज आर एग्जॉस्टिव, यानी कि सारी सैंपल स्पेस आपकी कवर हो जाती है।
तो ऐसे केस पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं हो सकती, जबकि ऐसे केस पे जहाँ पे सारे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और वो एग्जॉस्टिव हों, तो वहाँ पे आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि एक सेपरेट इवेंट बी की अब आप बात करें, ठीक है, जो एग्जॉस्टिव होने थे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने थे वो ये वाले मल्टीपल इवेंट्स थे A1, A2, A3, A4, A5। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं किसी एडिशनल इवेंट बी की जो कि इसी सैम्पल स्पेस में लाए करता है, कहाँ पे लाए करता है वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो इनके साथ ओवरलैप कर सकता है एज लॉन्ग एज बाकी जितने भी इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और एग्जॉस्टिव हों। तो यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला अगर हिस्सा हिस्से की मैं बात करूँ तो ये दो इवेंट्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, वन के साथ भी टू के साथ भी। यहाँ पे जब मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे बड़े क्लियर रीजंस हैं कि यहाँ ये हिस्सा सपोज बी का सिर्फ वन के साथ ओवरलैप करता है, यहाँ पे टू के साथ करता है, यहाँ पे 4, 5, 3, ठीक है। इस तरह के केस पे आप इस इवेंट की अब प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन हो। सपोज आपको ये कहा गया है कि अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी बताई गई है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बी विल अकर गिवन दैट इवेंट ए वन हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी बनती है इस डायग्राम में, कौन सा रीजन बनता है? सर काइंडली दोबारा रिपीट कीजिए। देखें मैं ये कह रहा हूं कि आपने निकालनी है ये पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको इस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प करेगा आपको। लेकिन ये पता होना चाहिए कि इवेंट बी की जो मैंने शुरू में बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, तो आपको इवेंट बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है अगेंस्ट ईच इवेंट, ठीक है। इसी तरह के इवेंट, इसका मतलब क्या है इस रिप्रेजेंटेशन का कि इवेंट बी के होने का क्या चांस है गिवन दैट इवेंट ए वन हैज अकर्ड, राइट। इसी तरह इवेंट बी के होने का क्या चांस है गिवन दैट इवेंट ए टू हैज अकर्ड। तो अगर मैं सपोज ये वाला रीजन देखना चाहूं जो कि बी और ए वन का कॉमन है, ये रीजन क्या बनता है, इसकी क्या सिंबलिज्म होगी? ये ब्लू शेड जी बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा, किसकी प्रोबेबिलिटी के, बी की प्रोबेबिलिटी, ये जो ब्लू एरिया, जो पूरा ब्लू में एरिया है, जो मतलब पूरा ब्लू में आउटलाइन है, ये तो इवेंट बी के इक्वल होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो यहाँ पे इसको मैं शेड डिफरेंट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे सपोज ग्रीन में शेड किया ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए वन, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए वन है। इसी तरह बाकी जो चार हिस्से बचे ये भी, अब ये हिस्सा आपके पास क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए टू, ये हिस्सा आपके पास बी इंटरसेक्शन ए थ्री होगा। तो जो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इसको आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड करता है एज सम ऑफ द इंडिविजुअल पीसेस, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए वन प्लस बी इंटरसेक्शन ए टू अप टू जितने भी आपके पास अप टू के इवेंट्स हैं इस तरह के जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जाहिर अपनी डायग्राम में 5 बनाए, लेकिन ये जितने भी हों इनको आप मजीद छोटा करते जाएं, लेकिन जितने भी आपके पास इस तरह के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उनके साथ बी का इंटरसेक्शन आप लेते जाएं, तो ये जो इंडिविजुअल पीसेस हैं ये सम अप होके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये आपको बता रहा है। अब ये जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है ये क्या कर रही है, ये हर इस इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी को मजीद थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको याद हो तो हम किसी भी दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते थे, अगर मैं जेनेरिक लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिख सकते थे फॉर एनी गिवन केस एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता था बी गिवन ए टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, याद है, ये जेनेरिक केस था। और हम कहते थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्टली पी ए टाइम्स पी बी हो जाएगा, लेकिन अभी हम इंडिपेंडेंस की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए अब हम
ये वाली जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं और अब हम ये कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए वन जो है ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे आपको गिवन इंफॉर्मेशन गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी गिवन ए वन, तो जाहिर है बी गिवन ए वन टाइम्स कंडीशनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि ए वन की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए टू जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, ठीक है। तो इस तरह से अब आप जाहिर है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं वो इन सारी टर्म्स का सम है। तो अभी तक जितनी भी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बातें की हैं ये सारी आके अब कलेक्ट हो रही हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उन सब का इंटरसेक्शन जीरो होगा, यानी कि अब अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए वन का इवेंट देखूं तो उसका कोई ओवरलैप नहीं है बी इंटरसेक्शन ए टू के साथ, तो मुझे इनके दरमियान से कुछ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखने के लिए इन सब पीसेस को ऐड कर सकता हूँ सिंपली। तो ये मेरे पास बेसिकली पहला स्टेप आ गया, पहली स्टेज में मैंने इन सारे इंटरसेक्शन इवेंट्स को ऐड करता गया और फिर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूं उसके लिए मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, बेसिकली इस टर्म को अब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में रीराइट कर रहा हूँ कि मुझे अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है कि हर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे उनके अगेंस्ट बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर इस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये समझ आई है? यस सर। तो बेसिकली अब देखें कि यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो कंडीशंस हैं, आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए जिनके अगेंस्ट जो आपके सारे कंडीशनिंग इवेंट्स हैं बेसिकली वो सारे उनके ऊपर ये कंडीशन है कि वो सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव होने चाहिए, सिर्फ तब आप ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई एक इवेंट बी है जो कि उन सब के अंदर हो सकता है कॉमन हो, किसी में हो सकता है वो लाई ना कर रहा हो, वो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन उसकी आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं एज द सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल पीसेस, और पीसेस की फिर प्रोबेबिलिटी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ट्री डायग्राम जो है ये आगे हम एक एग्जांपल करते हैं उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब आपके पास जो वो ए वाली रिप्रेजेंटेशन थी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए के, यानी कि आपके कंडीशनिंग इवेंट्स जो थे वो ये वाले थे, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे ये स्विच हो गए आपस में कि आपके पास यहाँ पे एक कंडीशनिंग इवेंट्स थे कई सारे और आपके पास एक अनसर्टेन इवेंट बी था जो कि अनसर्टेन था जिसकी आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे थे। इस वाली स्लाइड में क्योंकि ये दूसरी बुक से मैंने सेम लॉ उठाया है तो इस स्लाइड पे डालने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ स्विच हुई है लेकिन आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कंडीशनिंग इवेंट्स हैं वो मल्टीपल होते हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर अब वो जो कंडीशनिंग इवेंट्स हैं वो बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास बी आई है, ठीक है, कंडीशनिंग इवेंट्स बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जाहिर है कि जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में आपके पास अनसर्टेन इवेंट होता है गिवन कंडीशनिंग इवेंट टाइम्स कंडीशनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास बनती है ए इंटरसेक्शन बी आई। तो आपस में सिंबलिज्म स्विच हो जाए इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपने ये देखना है कि आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है अनसर्टेन इवेंट की और आपने इस्तेमाल करने हैं मल्टीपल कंडीशनिंग इवेंट्स जो कि सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए, ठीक है। इनको मैं सी से रिप्रेजेंट करूं बी से रिप्रेजेंट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हुए ये देखना है कि अनसर्टेन इवेंट कौन सा है कंडीशनिंग इवेंट्स कौन से हैं और क्या मेरे कंडीशनिंग इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ट्री डायग्राम बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास फर्स्ट स्टेज में जाहिर है कंडीशनिंग इवेंट सेलेक्ट होगा क्योंकि कंडीशनिंग इवेंट की इनिशियल या प्रायर प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होगी ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपका कंडीशनिंग इवेंट होगा
तो आपने कंडीशनिंग इवेंट सेलेक्ट करना है, कंडीशनिंग इवेंट कौन सा हुआ, तो जो आपके पास मल्टीपल कंडीशनिंग इवेंट्स की चॉइसेस थी वो ट्री डायग्राम पे यहाँ फर्स्ट स्टेज में रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये इन सब कंडीशनिंग इवेंट्स की इनिशियल प्रोबेबिलिटीज हैं। उसके बाद इस कंडीशनिंग इवेंट से आगे अगला जो इवेंट ए है जो कि आपके पास अनसर्टेन है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, अब हर ब्रांच में मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब पीछे एक इवेंट हो गया, अब आप ट्री डायग्राम के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे इस इवेंट की वो कंडीशनल होगी, क्योंकि अब जाहिर है कि इस ब्रांच के ऊपर ये वाला इवेंट कंस्ट्रेंड है, ये कंडीशनड है कि ये इवेंट हो गया। इसी तरह सेकेंड ब्रांच के ऊपर बी टू वाला इवेंट कंस्ट्रेंड है, तो यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी ये अब कंडीशनल होगी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की, गिवन दैट ये पीछे ये कंडीशनिंग इवेंट ये वाला हुआ, सही। तो यहाँ पे जो आउटकम है, इस ब्रांच का आउटकम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वन, इस क्योंकि जाहिर है यहाँ पे ए भी हुआ बी वन भी हुआ, सेकंड ब्रांच का आउटकम ए इंटरसेक्शन बी टू है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पहली ब्रांच की वो बराबर होगी सिंपली ए गिवन बी वन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, जो कि आपके पास इस पूरे पाथ को आप फॉलो करते आएंगे तो इसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज होंगी आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकेंड ब्रांच के ऊपर प्रोबेबिलिटी जो है आउटकम की वो होगी ए गिवन बी टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू, और जाहिर है जितनी भी आपके पास ब्रांचेस हैं उन सब के ऊपर ये फॉर्मुलेशन एप्लीकेबल होगी। तो आउटकम जाहिर है कि यहाँ पे आपके पास ए ही आ रहा, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी के आखिर में जो भी बी में मेरे पास जो मर्जी हो, मेरे पास एक आउटकम ए वाला जो है ये सेटिस्फाई हो, ये फिर इन सारी ब्रांचेस का जहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है एक और आउटकम सी भी हो रहा हो, लेकिन अभी हम सिर्फ फिर ए वाली देखेंगे, तो हम इन सारी ए इंटरसेक्शन बी वन बी टू अप टू बी एन जो है इन सबको सम करेंगे। तो बेसिकली ये ट्री डायग्राम इसी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप सारे जो फिर ए वाले आउटकम्स हैं इनके पूरे पाथ की प्रोबेबिलिटी जो है उन सबको आपस में फिर सम करेंगे, तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इवेंट ए क्या हो के होने का क्या चांस है, ठीक है। यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अच्छा अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ही एक्सटेंड करते हैं हम एक और थ्योरम जिसको आप कहते हैं कि ये बेस थ्योरम है, ठीक है, जिस बंदे ने इसको प्रपोज किया था उसके नाम पे नेम्ड है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली उसके अंदर अब आप शुरू होते हैं, अगर आपको याद हो, कंडीशनिंग इवेंट्स की इनिशियल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल प्रोबेबिलिटी जाहिर है जो आपका कंडीशनिंग इवेंट है वो पहले होना होता, तो आप शुरू होते हैं कंडीशनिंग इवेंट की इनिशियल प्रोबेबिलिटी से, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन हो सकता है प्रोवाइडेड हो एक और इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशनिंग इवेंट्स, ठीक है। अब जाहिर है कि मैं जे इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपके पास अब कितने कंडीशनिंग इवेंट्स हैं वो हो सकता है एक बड़ा नंबर हो, तो जितने भी होंगे सबके अगेंस्ट आपके पास बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो अभी तक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हमने ये देखा कि इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करके आप टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है, गिवन दैट ऑल द कंडीशनिंग इवेंट ए जेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ये दो कंडीशंस नहीं भूलनी क्योंकि इनके बगैर ये दोनों थ्योरम जो हैं अप्लाई नहीं हो सकते। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आपने इन दो गिवन इंफॉर्मेशन से इवेंट बी की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना सीख ली। अब बेस थ्योरम ये कहता है कि आप कंडीशनिंग इवेंट की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यानी कि आपको इसकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी पता है जब आपके पास पूरी सैंपल स्पेस हो तो इस कंडीशनिंग इवेंट के होने की क्या लाइकलीहुड है, और आपको ये पता है कि एक बाद में होने वाला इवेंट बी जो है वो किस तरह से पीछे कंडीशनिंग इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बेस थ्योरम ये कहता है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट, यानी कि अगर अब मैं अपने अनसर्टेन इवेंट को सर्टेन बना दूं, कंडीशनिंग इवेंट बना दूं, ठीक है, जो कि पहले अनसर्टेन था
और अब मुझे अगर ये पता है कि आखिर में ये वाला एक इवेंट हो रहा है, तो फिर मैं ये डिड्यूस कर सकूं कि जो मेरे पास एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे उनमें से कौन सा हुआ। तो ये बेसिकली जो पूरी टर्म है, दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट्स। तो जाहिर है अब ये जो जब मैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, तो अब ये जो कंडीशनिंग इवेंट था वो कंडीशनिंग नहीं रहा, अब वो अनसर्टेन हो गया। ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी या इनिशियल प्रोबेबिलिटी जाहिर है उस इवेंट की अपनी रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस थी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी और इवेंट की रिलेटिव टू दीज कंडीशनिंग इवेंट्स मुझे कहीं से पता थी। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट्स के लिए मैंने अब इनको अनसर्टेन बनाया, और अब मैं इनको कंडीशन कर रहा हूँ अगेंस्ट दैट इवेंट विच वॉज ओरिजिनली अनसर्टेन। और इसको निकालने के लिए, अब जाहिर है असल में आप इसको पोस्टीरियर कहें कंडीशनल कहें, असल में जाहिर है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही एक फॉर्म है। जब भी आपके पास ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लाइन आ रही जो कि रिप्रेजेंट करती है कि ये प्रोबेबिलिटी इज कंडीशनल विद रिस्पेक्ट टू सम इवेंट, तो जाहिर है कि आप इसके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला था कि आई हैव अ कंडीशनिंग इवेंट बी एंड आई हैव एन अनसर्टेन इवेंट ए, तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट। तो जाहिर है अब आपके पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में कंडीशनिंग इवेंट चेंज हो गया, अब आपका कंडीशनिंग इवेंट बी है। ठीक है, तो इसलिए जब आप इसको यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं तो ये सिंपल डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि अब जिस आप ओरिजिनली कंडीशनिंग इवेंट जो कि ओरिजिनली कंडीशनिंग थे, अब कंडीशनिंग नहीं है, अब ये अनसर्टन है। ठीक है, नाउ दीज हैव बिकम अनसर्टन। इनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं इवेंट बी के साथ जिस तरह से आपकी डेफिनेशन कहती है, और आप डिवाइड कर रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन, जाहिर है कि अब इस रिप्रेजेंटेशन में आपका कंडीशनिंग इवेंट बी है, तो इस रिप्रेजेंटेशन में या इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर जो कंडीशनिंग इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, और आगे आप क्या कर रहे हैं, आगे आप इस इवेंट बी की टोटल प्रोबेबिलिटी जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से फॉर्मुलेशन थी वो रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म है दिस कम्स फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये वाले जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है ये सिंपली आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही एक री एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर फॉर्म में लिखी थी, यहाँ पे आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे हैं कि आपको इवेंट बी अब यहाँ पे अनसर्टन है, जो इवेंट ए जे यहाँ पे अनसर्टन हो गया वो यहाँ पे कंडीशनिंग है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप ए इंटरसेक्शन बी को दोनों तरह से लिख सकते हैं, ए गिवन बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर बी गिवन ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे आपने बेसिकली एक दफा तो आपने इस फॉर्मुलेशन में लिखने के लिए सपोज ये वाली तरीका इस्तेमाल किया कि आपने या ए गिवन बी को आपने निकाला एज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इसी ए इंटरसेक्शन बी के आपके पास ये वाली अल्टरनेट डेफिनेशन थी और ये वाली चीज आपने रिप्लेस कर दी है इसके न्यूमरेटर में, क्योंकि हो सकता है आपको बी गिवन ए पता है और आपको ए गिवन बी नहीं पता, तो आपने अब ए गिवन बी निकालना है, इसलिए आप ये वाली प्रोबेबिलिटीज को आपस में मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो बेस थ्योरम जो है वो थोड़ा सा मल्टी स्टेज प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपको इवेंट्स बताए गए हैं जो कि ओरिजिनली कंडीशनिंग है वो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। अगर हैं तो उससे फिर आप इस इवेंट बी की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और फिर आप इसकी ऑपोजिट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं वो फिर निकालते हैं बेस थ्योरम से। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के अभी तक कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर अभी तक? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन पढ़ें। बेस थ्योरम जाहिर है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम भी है, मल्टी स्टेज है, तो उसके क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े से लंबे हों। अब आपने इसको स्टेजेस में डिवाइड करना होगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं? नहीं नहीं अभी 7 मिनट रहते हैं, एक एग्जाम्पल हो जाएगी, वरना इस तरह टॉपिक्स रहते ही जाएंगे। तो
समझ नहीं आएगी सही क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसकी सिर्फ नोटेशन देखी है, तो आप लोगों को इसकी साथ ही एप्लीकेशन देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगली दफ़ा एक और एग्जांपल इसी की शुरू में दोबारा देख लें। ओके सर, ओके ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो कहा जा रहा है कि किसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जब ब्रेक डाउन होता है तो चार टेक्नीशियंस हैं जो कि उसके ऊपर रिपेयर्स करते हैं, ठीक है। उन चार टेक्नीशियंस को कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आगे। पहले टेक्नीशियन जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जे से, कहा जा रहा है वो 20% ऑफ द ब्रेकडाउन्स को सर्विस करती हैं, ठीक है। और जब वो सर्विस करती हैं देन शी मेक्स एन इनकम्प्लीट रिपेयर वन टाइम इन 20। तो यहाँ पे अब आपके पास दो सेपरेट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ये कि जब ब्रेकडाउन होता है तो सर्विस कौन करता है, और अगली बात ये है कि जब एक बंदा सर्विस करता है तो फिर वो खराब सर्विसिंग कितनी दफा करता है, ठीक है। तो आपने इसको स्टेजेस में डिवाइड करना। पहली स्टेज आपकी प्रॉब्लम की ये है कि ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, स्टेज वन ब्रेकडाउन। यहां पे आपने चूज करना है टेक्नीशियन कौन सा आएगा। पहला टेक्नीशियन आपके पास जे से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये आप ये इंफॉर्मेशन अगेन आपको यहां से पता चल रही है कि जिनेट हु सर्विसेज 20% ऑफ द ब्रेकडाउन्स मेक्स एन इनकम्प्लीट रिपेयर वन टाइम इन 20। Tom services 60% of the breakdowns and makes an incomplete repair one time in 20. तो एक दो sentences पढ़ने से आपको ये साफ समझ आ जानी चाहिए कि मेरे पास दो sets of information है। एक बात तो ये कि जब breakdown होता है तो service अब जाहिर है चार में से कोई एक बंदा कर रहा है, ये आपको पहले sentence में बताया गया। चार लोग हैं, कौन कौन है, जे, टी, इसी तरह आगे अगले सेंटेंस में जी और आखिर में पीटर साहब है। और आपको ये बताया जा रहा है कि क्या चांस है कि एक ब्रेकडाउन हो उसमें से इन चार में से एक बंदा सेलेक्ट किया जाए। तो जेनेट की प्रोबेबिलिटी 0.2 है क्योंकि वो 20% ऑफ द ब्रेकडाउन सर्विस करती हैं। इसी तरह टॉम की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और जॉर्जिया जो है वो 15% ऑफ द ब्रेकडाउन सर्विस करती हैं, तो 0.15। और इसी तरह से पीटर जो है वो 0.5% ऑफ द ब्रेकडाउन सर्विस करते हैं। आप इनको ऐड करें तो ये 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है 100% ऑफ द ब्रेकडाउन्स इन्हीं चार लोगों में से कोई एक सर्व कर रहा है। ये 0.5 नहीं, 0.05, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगली बात ये है कि जब इन चारों में से कोई भी एक बंदा सर्विस करता है तो उसके बाद फिर वो जो सर्विसिंग करता है उसमें कोई खराबी होती है, यानी कि वो इनकम्प्लीट रिपेयर कर रहा है। तो अब यहां पे आपके पास स्टेज टू है कि सक्सेसफुल सर्विसिंग हुई या नहीं हुई, ठीक है। सक्सेसफुल सर्विसिंग की आपके पास एक आउटकम पॉसिबल है। तो साथ ही आपको ये इंफॉर्मेशन बताई गई कि जब जिनेट सर्विस करती हैं शी मेक्स एन इनकम्प्लीट रिपेयर। अब मैं इसको इनकम्प्लीट रिपेयर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ आई से और कम्प्लीट रिपेयर को सी से। तो जाहिर है दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, इन्होंने सर्विस की, इन्होंने कम्प्लीट रिपेयर किया या इनकम्प्लीट किया। तो इनकम्प्लीट रिपेयर का आपको बताया गया है कि 20 में से एक दफा वो इनकम्प्लीट करती है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20। और जाहिर है कि बाय एक्सटेंशन इसका मतलब है कि बाकी हर दफा वो कंप्लीट करती हैं, तो कंप्लीट सर्विस की 19/20 है। इसी तरह टॉम जब सर्विस करता है तो ही मेक्स एन इनकम्प्लीट रिपेयर वन टाइम इन 10, 0.1 इनकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह जाहिर है इसकी भी एक कंप्लीट रिपेयर का एक इवेंट होगा। जॉर्जिया है वो भी इनकम्प्लीट रिपेयर करती हैं, कितनी दफा करती हैं, 1 time in 10, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.1 हो गई। और पीटर जब सर्विस करता है ही मेक्स एन इनकम्प्लीट रिपेयर 1 time in 20। अब ये बताएं कि यहां पे जो मैंने प्रोबेबिलिटीज लिखी ये क्या है। ये मेरे पास इनिशियल प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि जाहिर है ये मेरे पास फर्स्ट स्टेज है, इसके पीछे कोई इवेंट नहीं हुआ। तो दिस इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी दैट जेनेट विल सर्विस अ ब्रेकडाउन। इसी तरह दिस इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी दैट पीटर विल सर्विस अ ब्रेकडाउन एंड सिमिलरली फॉर टॉम एंड जॉर्जिया। जब आप उनको जब आपने बंदा सेलेक्ट कर लिया, अगली स्टेज जो है वो अब कंडीशनल हो गई है, क्योंकि आपने बंदा टेक्नीशियन जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद मसलन ये वाली जो प्रोबेबिलिटी लिखी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी
that I will have an incomplete servicing given that Tom was the person who serviced the breakdown. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो probability लिखी गई है ये again probability that the servicing will be incomplete given that Peter serviced the breakdown. तो यहाँ पे अब आपके पास ये conditional probabilities हैं of an incomplete service given that a particular technician was chosen. ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि for the next problem with the production line diagnosed as being due to an initial repair that was incomplete, यानी कि आपको ये बताया, ये पूछा कहाँ ये जा रहा है कि अगली दफा अगर incomplete repair होता, what is the probability that this initial repair was made by Jeanette? इसको मैं किस तरह से represent करूँगा? As a symbol. The probability of I with respect to J. I with respect to J अगर मैं लिखता हूँ, इसको आप किस तरह से read करेंगे कि this is the probability that I have an incomplete repair given that the repair was made by Jeanette. Conditioning event आपका second वाला होगा. यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि the repair is incomplete. What is the probability that this repair was made by Jeanette? अनसर्टन ये है कि टेक्नीशियन कौन था और सर्टन ये है कि रिपेयर इनकम्प्लीट था. तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि जिनेट चूज हुई गिवन दैट द रिपेयर इज इनकम्प्लीट, क्योंकि ये आपको स्पेसिफाइड है कि फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन लाइन डायग्नोस्ड एज बीइंग ड्यू टू एन इनिशियल रिपेयर दैट वॉज इनकम्प्लीट. वट इज द प्रोबेबिलिटी, जहां पर आप सिर्फ जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इनिशियल रिपेयर वाज मेड बाय जेनेट, यानी बेसिकली टेक्नीशियन आपको सर्टेन नहीं है. एज अ मैनेजर सपोज आपको ये इन्फॉर्मेशन आई कि हमारा ब्रेकडाउन हुआ था और जिस एक बंदा था या टेक्नीशियन ने रिपेयर किया, रिपेयर उसने ठीक नहीं किया. अब आपने ये आपने एक तरह से ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा बंदा था जिसने रिपेयर किया था ताकि आप जाके उसको पकड़ें. आपको ये पता है कि रिपेयर इनकम्प्लीट था. आपको ये पता है कि जब ये बंदा सेलेक्ट होता है तो ये चांस है कि वो इनकम्प्लीट रिपेयर करे, या अगर टॉम सेलेक्ट होता है तो ये चांस है वो इनकम्प्लीट रिपेयर करे. अब आपको पता है रिपेयर इनकम्प्लीट है, आपने बंदे पे हाथ डालना है कौन बंदा था. तो अनसर्टन ये है कि टेक्नीशियन कौन है, सर्टन ये है कि द रिपेयर वॉज इनकम्प्लीट. तो अब ये आपके पास एक टोटल प्रॉबिलिटी और बेसिकली बेस थियोरम का प्रॉब्लम बन रहा है, जहाँ पे आपको कंडीशनल प्रॉबिलिटीज एक इवेंट की पता है, यानी यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपको बताई गई हैं ऑफ द रिपेयर बीइंग इनकम्प्लीट गिवन दैट अ सर्टेन टेक्नीशियन वाज चोजन, और आपको इनिशियल प्रोबेबिलिटीज भी पता है कि टेक्नीशियन चूज होने के क्या चांस है. अब आपने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गिवन दैट द रिपेयर इज इनकम्प्लीट हु वॉज द टेक्नीशियन. तो बेसिकली अब आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी है वो गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का ऑपोजिट है. तो अब आपको पता है कि प्रॉब्लम आपका जो है वो बेस थ्योरम की एप्लीकेशन का. इसको सॉल्व हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं. बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ पे होनी है ये दिखाना था कि बेस थ्योरम आप अप्लाई कब करेंगे. अप्लाई इस तरह के प्रॉब्लम पे होता है जब आपसे रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का इनवर्स केस हो. ठीक है, यहां तक समझ आ गई ये सबको? कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, तो अगली दफा, वैसे इसको सॉल्व करना 2-3 मिनट का काम है, लेकिन चलो पहली दफा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो अगली दफा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ये वाली बात एक दफा रिव्यू कर लेना अगले लेक्चर से पहले, ताकि जब हम अगली दफा यहाँ से कंटिन्यू करें तो आपको पता हो के क्या बात हो रही थी. ओके सर, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से रिज्यूम करेंगे. अल्लाह हाफिज़.